आप बीम के अंदर परफेक्ट हो? क्या आपको लगता है कि सर मैंने बीम के सॉफ्टवेयर सीख रखे हैं फिर भी मेरी बीम में जॉब नहीं लग रही है? कौन कौन सी स्किल्स है जो बीम में जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है? तो कई लोग क्या कहते हैं, सर मैंने बीम के सॉफ्टवेयर जैसे रेविट सीख रखा है, नेविसोर सीख रखा है, टेक्ला सीख रखा है, फिर भी मेरी जॉब नहीं लग रही है। क्योंकि दोस्त अपने बीम को यहाँ सीखा हुआ जो आपको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, बट कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। क्या क्या हमारी गलतियां होती हैं जिससे कि हम जो कंपनी को चाहिए वो रेडी कर ले, तो उसी के लिए मैंने सोचा कि आपके लिए, क्योंकि काफी लोग बोल रहे सर मुझे आपका मॉक इंटरव्यू गाइस अटेंड करना है, ये अटेंड करना। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता है, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जो कि 1 मंथ का पूरा प्रोग्राम है, बीम जॉब्स गाइड प्रोग्राम, जो कि इतना बेहतरीन मैंने डिजाइन किया हुआ। आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। ये प्रोग्राम मैंने उनके लिए गाइड जस्ट डिजाइन किया हुआ है जो लोग एकदम सिंसियर है। मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों की प्रिपरेशन करानी है, मुझे 150 लोगों की प्रिपरेशन नहीं करानी, सिर्फ 15 लोगों की प्रिपरेशन करानी है, जो कि 15 के 15 लोग ऐसे हो कि हाँ 4 लाख का पैकेज लगा, 5 लाख का पैकेज लगा, 5.5 लाख का पैकेज, ऐसे लोगों को मुझे देखना है। तो जो बहुत सेंसियर है, जिनको जिन्होंने कहीं से भी कुछ भी सॉफ्टवेयर सीख रखे हैं, उनको लगता है सर सॉफ्टवेयर तो सीख रखा है बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखो सिलेक्शन की जो मैजिक होती है, जो अपने अपने गुरुकुल के स्टूडेंट्स को 4 महीने में मैं सिखाता हूँ, ये उनके लिए है जिन्होंने सॉफ्टवेयर सीख रखे हैं। जिन्होंने सॉफ्टवेयर नहीं सीखे हैं, 4 मंथ का जो अपना गुरुकुल प्रोग्राम होता है आपको उसी में जाना चाहिए। ये सिर्फ जिन्होंने सॉफ्टवेयर सीख रखा है या फिर गुरुकुल में जिन्होंने किसी वजह से पूरा कंटिन्यू नहीं किया हुआ है, वो लोग भी इसको देख सकते हैं। कैसे करना है, कैसे इस 1 मंथ की ट्रेनिंग में आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको हर हफ्ते 2 बार मॉक इंटरव्यू होगा, मंडे को और फ्राइडे को, और उसके बाद आपको रिव्यू दिया जाएगा। पहला मॉक इंटरव्यू खराब करेंगे, दूसरा थोड़ा अच्छा करेंगे, तीसरा और अच्छा करेंगे, चौथा और अच्छा करेंगे। 1 महीने में आपका लगभग 8 बार मॉक इंटरव्यू हो जाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा। सबसे पहला बेनिफिट इस 1 महीने के प्रोग्राम में यह है। दूसरा चीज है, इसके अंदर पोर्टफोलियो आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है, पूरी मेंटरशिप मिलेगी। क्योंकि हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट जो 4 महीने ट्रेनिंग में इतना बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाते हैं, वही पोर्टफोलियो मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से बनाना है। और उस पोर्टफोलियो के लिए जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो मैं खुद दूंगा आपको, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स दूंगा जो मेरे खुद के रहेंगे। तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को बेहतर करके पोर्टफोलियो में मोल्ड करो। आपके खुद के भी प्रोजेक्ट है तो उनको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा गाइस यहां पर मैं आपको एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनवाऊंगा। सॉरी कट गया। तो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम मतलब कैसे होता है कि आप लोग अप्लाई तो करते हो बट वो जो रिज्यूम है आपका, वो रिज्यूम कीवर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं। और जो एजेंसीज होती है वो मैनुअली चेक नहीं करती है आपके कौन कौन से रिज्यूम, किसने किसने अप्लाई किया हुआ, अच्छा इनका शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। नहीं, उनके पास एटीएस सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें वो अपने रिज्यूम को, आपके रिज्यूम को डालते हैं, कीवर्ड्स जो उनको चाहिए मैच किया तो ठीक, नहीं तो फायर, मतलब वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। अब जब एमएनसी में शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा तो सिलेक्शन का तो सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम, उसके लिए कौन कौन से कीवर्ड्स है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा गाइस, क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है ना कि उन्होंने जीमेल पर गए, उन्होंने कंपनी का मेल आईडी डाला और जस्ट अपने रिज्यूम को अटैच कर दिया, पोर्टफोलियो को अटैच कर, इंटर। भैया ऐसा कोई नहीं देखता है, ठीक है, इतना उनके पास रिज्यूम आते हैं, वो क्यों देखेंगे आपके रिज्यूम को। कुछ इंप्रेसिव लाइन होनी चाहिए जो कि कवर लेटर बोलते हैं जिसको हम लोग, क्या बोलते हैं, कवर लेटर एक बेहतरीन सा होना चाहिए। अगर कवर लेटर बेहतरीन नहीं है तो आपके रिज्यूम को कोई शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा। तो कवर लेटर किस तरीके से बनाना वो भी बताऊंगा। इसके अलावा एमएनसी के अंदर हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब। कई लोग सोचते हैं सर नौकरी पर जाऊंगा, इंडीड पर जाऊंगा, वहां पर अप्लाई नाउ का बटन रहता है, दबाता हूं, फिर कॉल आता है कि आप क्या बोलते हैं ये कर दो आपका जॉब लग जाएगा, आप इतना कर दो आपका जॉब लग जाएगा। भैया वो सब फेक मेथड है, ठीक है, अप्लाई करने का मेथड ही वो गलत है। अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको इसके अंदर गाइड करूंगा। और क्या इसी के महीने में होने वाला है, देख रहे कितनी बेहतरीन चीजें हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक कर देना। और आप, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पर या कहीं पर भी अवेलेबल है, तो मेरे दिमाग में आया क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट करें सर प्लीज कुछ ऐसा करिए कि मैं आपका मॉक को अटेंड कर सकूँ। तो 4 महीने वाले जो मॉक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें तो मॉक होता ही है, बट 1 मंथ में मैंने सोचा इसको कैसे कर सके उनके लिए जिन्होंने सॉफ्टवेयर सीख रखे हैं। और प्लस डेफिनेटली 1 मंथ रहेगा तो आपके लिए अफोर्डेबल फी भी हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इसका फी क्या, बहुत नॉमिनल फी रखा हुआ आप सबके लिए। तो ये आपके लिए हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब। इसके अलावा गाइस इसमें अच्छी चीज क्या किया हुआ है, आप लोगों को कैसे कंपनी को अप्रोच करना है वो भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है, किस तरीके से कंपनी को अप्रोच करना है वो भी आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, कि कंपनी के एम्प्लॉयज को कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कैसे उनसे बात करना है, क्या उनको ऐसा लिखना है इंप्रेसिव कि वो कनेक्ट करवा सके, आपकी हेल्प कर सके, अप्रोच करने का पूरा मेथड। मैं तो कहता हूँ आप अगर खुद से भी चाहो तो इस चीज को करके अपनी जॉब को ले सकते हो गाइस। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इस प्रोग्राम में ही आना है। क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम में तो मैंने सिर्फ 15 लोगों को सिखाना है,
ठीक है, आप चाहते हो कि खुद से सीखना, खुद से सीखो, बहुत बेहतर रहेगा, बस इतनी चीजों को अच्छे से कर लो। लेकिन अगर चाहते हो कि सर आपके मेंटरशिप में करेंगे तो आपकी गाइडेंस मिलेगी, डेफिनेटली मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है जो कि आपके काफी काम में आएगा, नो डाउट। बट अगर आप चाहो कि सर क्या बोलते हैं खुद से, तो खुद से भी देख लो क्या क्या चीजें करनी होती है। इसके अलावा कैट टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होती है हर एक एमएनसी में, और हर एक कोई भी बीम की कंपनी होगी, बीम के कुछ कैट टेस्ट होते हैं, ठीक है, बीम के जो टेस्ट होते हैं उसमें कुछ ड्राइंग्स दिए जाते हैं, ड्राइंग्स के अंदर क्या क्या डिटेलिंग्स करनी पड़ती है सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, प्लस आपका टेस्ट भी लेने वाला हूं, आपको खुद टेस्ट यहां पर देना पड़ेगा। इसके अलावा गाइज आज के टाइम में एक ब्रह्मास्त्र के रूप में आ गया जॉब के रूप में, दैट इज कॉल्ड लिंक्डइन। अगर आपका लिंक्डइन अच्छा है तो आपको जॉब में जाने की जरूरत नहीं है, एचआर खुद ही खोज के आपके पास आएंगे। तो ये कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको इसके अंदर गाइड करने वाला हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे बेस्ट बनाना है, कैसे कोशिश करना है कि एचआर हमारे पास खुद आए, कैसे हम लाइव प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको डाल दें जिससे कि उसका इंप्रेशन अच्छा हो, लोग देखना स्टार्ट कर दो हमारे प्रोफाइल को, उसके बाद कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा एमसीक्यू टेस्ट होते हैं कई ढेर सारी एमएनसीज के अंदर, जैसे कि बहुत लोग भर गए तो शॉर्टलिस्ट करना है उनको कि अच्छे कैंडिडेट कौन है, तो उनके लिए एमसीक्यू टेस्ट, टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ऑलरेडी यहां पर भी इंटरव्यू होगा और क्या इंटरव्यू आएगा वो भी आपको बताया जाएगा, तो उसकी प्रिपरेशन। इसके अलावा कई ढेर सारी कंपनीज के अंदर जो बहुत बड़ी होती है उनके या तो डायरेक्टर राउंड होंगे या फिर रिटन टेस्ट राउंड होंगे, तो डायरेक्टर राउंड में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिटन टेस्ट में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूं, प्लस आपका भी टेस्ट यहां पर होने वाला है तो ये भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा मोस्ट ये सब मैं आपके रिक्वायरमेंट को देख के मैंने बनाया हुआ है, आप लोग कमेंट कर बताइए कि सर ये प्रोग्राम कैसा है। ज्वाइन आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने कहीं पर सीख रखा है तो भी अच्छी बात है, बट ये डिजाइन मैंने कैसे किया इसको बताना, कुछ ऐड करना होगा तो भी मैं कर दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर डिस्कशन अबाउट द इंटरव्यू एस्पेक्ट, जैसे बीम के इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, एलओडी है, स्कैन टू बीम है, कैट टू बीआईएम है, स्कैन और रिकैप है, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि बीएम 360 क्या होता है, डायनमो क्या होता है, इस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो सब मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको बताने वाला हूँ ऑटोकैड से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेविट से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेविसवर्क से, टेक्ला से, माइक्रोस्टेशन से, इन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या निकल के आते हैं, जैसे रेविट से की नोट क्या होते हैं, रेविट में पैरामीटर्स क्या होते हैं, रेविट में पैरामेट्रिक फैमिली, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली, नेस्टेड फैमिली क्या होती है, इस तरीके के बहुत ढेर सारे टॉपिक्स। नेविसवर्क में क्लैश रिडक्शन क्या होता है, किस तरीके से सिमुलेशन करते हैं, किस तरीके से क्लैश रिडक्शन को सॉल्व करते हैं, वो सब कुछ आपको इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए एज पर जेडीए तो ब्रह्मास्त्र है, क्यों, किसी भी कंपनी में दो जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो जेडी से, एक रिज्यूमे से। तो जेडी क्या है आपका, जेडी मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब उस कंपनी की रिक्वायरमेंट, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर ट्रेंड करने वाला हूं। कम से कम 10 कंपनी की जेडी लेंगे, उन 10 कंपनी में क्या क्या पूछ रहे हैं आपको दिखाऊंगा, देखो आप परफेक्ट हो कि नहीं चेक करो, कोई पॉइंट बच जाता है उसको प्रिपरेशन करो। इंटरव्यू केवल दो जगह से क्वेश्चन पूछता है गाइस, कहां से, एक आपके रिज्यूम से, ये सब तो है शॉर्ट लिस्टिंग के मेथड्स, बट इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पूछने का अधिकार कहां से, केवल दो जगह से, एक है जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब उनकी रिक्वायरमेंट, एक है जो रिज्यूम के अंदर क्वेश्चन होते हैं, मतलब रिज्यूम आप जो बनाया हुआ है आपने, आपने हॉबी क्या लिखा है, आपने स्ट्रेंथ क्या लिखा है, टेक्निकल स्किल्स क्या लिखा हुआ है, कॉलेज कहाँ से किया है, प्रोजेक्ट क्या किया हुआ है, उस पर क्वेश्चन है। केवल इन्हीं दो जगह से क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो जो दूसरा जगह है, पहला तो रिज्यूम हो गया, दूसरा जगह है जेडी, तो जेडी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन जेडी की कराने वाला हूँ, 10 कंपनियों की जेडी लेंगे कम से कम, उन पे देखेंगे। अब चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आपको इसमें मैं 1 आवर्स के लिए कम्युनिकेशन की क्लास भी देने वाला हूँ, ठीक है, 1 आवर्स कम्युनिकेशन की क्लास। क्यों, आप सोच रहे हो सर क्या ग्रामर ओवर सिखाओगे आप, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, नहीं भाई वो सब नहीं सिखाने वाले, आपको हमारी टीम में से एक मेंबर रहेंगे जो आपको ट्रेंड करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक देंगे जिस पर आपको बोलने की प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे ज्यादा इंटरव्यू में सॉरी जो कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का तरीका होता है बोलना, तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस हम कराएंगे। ये 1 आवर्स डेली होगा, आपको टॉपिक मिलेगा, आप जितना दम लगा के बोल सकते हैं बोलिए, अपने आप को फ्लुएंट करिए। हमारी टीम का काम रहेगा जहां आप ग्रामर मिस्टेक करेंगे, जिस वर्ड को बोलना चाहते नहीं बोल पाएंगे, वहां पर आपको गाइड किया जाएगा, जो कि हम इस 1 आवर्स के क्लास में कराएंगे आपको। इसके अलावा गाइस आपको टाइम फॉर द बीआईएम जॉब्स प्रिपरेशन कितने बजे क्लास रहेगी, यहां पर लिखा हुआ है 11 से 12 बट मैंने इसको 10 बजे कर दिया है, 10 से 11 क्योंकि 11 से 12 मेरा बिजी है तो मैं 10 से 11 इसको करना चाहता हूं। इसके अलावा गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा जो टेक्निकल जितनी तैयारी है सब आपने जो देखा कम्युनिकेशन वगैरह जो भी सबको देखा, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 5000 में इसको कर दिया है, क्योंकि 1 मंथ लगता है गुरुकुल का, आप सबको पता है कि 20,000 फी होता है, बट ये 1 मंथ का प्रोग्राम है इसलिए ओनली 5000 आपका फी कर रखा है, तो बहुत ही अफोर्डेबल फी है।
गुरुकुल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग क्या बोलते हैं, गुरुकुल के स्टूडेंट नहीं है, कहीं से भी सीख रखे हैं, जॉब नहीं लग रही है, आप लोग कांटेक्ट कर लो। गाइस कैसे कांटेक्ट करना है, बहुत आसान है, ये देखिए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर कॉल कर लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो करके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने सही तरीके से 1 महीने 100% अटेंडेंस दिया, सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों को करने वाला हूँ, पहले बता दूँ, 100% अटेंडेंस दिया, फिक्स मान लीजिए आपकी जॉब लग जाएगी, फिक्स मान लीजिए। आप बोलोग सर एग्रीमेंट पर साइन कर दो, ऐसा नहीं होता भैया, ठीक है, ये सब कोई फेक प्रॉमिस नहीं है, ये मैं मेहनत करा रहा हूँ, मैं मेहनत के दम पे आपको बोल रहा हूँ कि ये आपकी जॉब लग जाएगी। ये मेहनत जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। इस मेहनत को आप घर पे बैठ के अकेले भी कर लोगे तो भी जॉब पा जाओगे, मेरे गाइडेंस में कर लोगे थोड़ा जल्दी पा जाओगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। आप लोगों को क्या स्ट्रक्चर्स का भी ऐसा कुछ प्रोग्राम चाहिए क्या, कमेंट करके बताना, ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। क्या आप चाहते हो कि सर सेम स्ट्रक्चर्स की जॉब की प्रिपरेशन भी करवा दीजिए, अगर हाँ तो बताइएगा, तो स्ट्रक्चर्स के लिए भी आपको डिजाइन करके बता देंगे कितने बजे तक हम अवेलेबल हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स के लिए। और साथ ही साथ ये प्रोग्राम मेरा कैसा लगा ये तो जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने देखा कि यार कई लोगों को सॉफ्टवेयर तो उन्होंने सीख रखे हैं, सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, बट उनकी जॉब नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि उनकी मिस्टेक्स यहाँ ना कहीं रहती है, किसी का पोर्टफोलियो वीक रहता है या फिर रहता नहीं, किसी का कवर लेटर वीक रहता है, किसी का रिज्यूमे वीक रहता है। ये पूरी प्रिपरेशन आपको 1 महीने के अंदर कराई जाएगी, 10 बजे से 11 बजे तक। अब हाँ इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जो लोग जॉब में हैं वो लोग नहीं अटेंड कर सकते हैं, रीजन ये है कि मॉर्निंग में 10 से 11 है, बट क्या करूँ, मेरा सारा टाइम पैक है, यही टाइम फ्री था तो मैंने उस हिसाब से आपके लिए डिजाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। आप लोग कमेंट करके बताइए ये प्रोग्राम कैसा लगा।